तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को तीनों राज्यों में बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की हार पर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान सामने आया है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस कांग्रेस के मुकाबले अच्छी रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव मजबूती से लड़ा और लोगों से वोट मांगे। यह जनता का फैसला होता है कि वह किसे वोट देते हैं। उन्होंने कहा कि जनता का फैसला सर्वमान्य है। वहीं हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि हार के बाद पार्टी को सुधार और पुनर्विचार की जरूरत है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सत्ता हासिल करने से पहले कांग्रेस ने जनता को जो गारंटी दी थी उसे सरकार पूरा कर रही है। यह सरकार का कार्य है। शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। कुछ जगह पर वो अब हम तो सरकार से फरियाद कर ही सकते हैं। मैंने भी बार बार सरकार से ये आग्रह आज से कम 5 महीने पहले भी किया था कि जल्दी अगर आप ये नियुक्तियाँ करेंगे तो लोगों का मनोबल भी बढ़ता है, वर्कर्स का मनोबल भी बढ़ता है, लोग और तेज़ी से काम करेंगे। तो चलो इन्होंने अब अच्छी शुरुआत की है और ख़ास करके छाछटा साहब को जो बनाया है, एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति, डेडिकेटेड एंड सिंसियरली जो काम करते हैं पार्टी के लिए, उनकी नियुक्ति के बाद लोगों में एक खुशी की लहर गई है और हम चाहेंगे कि इसी तरह से हम जो बाकी पोस्टों पे भी लोगों को देखना चाहते हैं उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपना आदेश दें और शीघ्र इस काम को आगे बढ़ाएं। मैम भाजपा का ये मैंडेट है, हम तो लोगों के दरबार में जाके फरियाद ही लगा सकते हैं। लोगों ने क्या अपना वर्डिक्ट देना है, किसको वोट करना है, दैट इज़ फॉर द पीपल टू डिसाइड। लोगों ने जो फैसला किया वो सर्वमान्य है और ठीक है, अगर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है तो लोगों ने उस बात का उनको श्रेय भी दिया है। बिल्कुल, अब हमारे 24 के इलेक्शन भी बहुत नज़दीक आ चुके हैं तो हम चाहेंगे कि हम यहाँ Day 1 से काम करना शुरू करें ताकि 24 में ये जो लोकसभा के चुनाव आएंगे उसमें हम जो 4 कैंडिडेट्स उतारेंगे, चारों के चारें उसमें विजय हासिल करें और अच्छा मैंडेट लेकर जीत कर आएँ। ठीक है, ये तो अब जैसे अब हमने भी दी है गारंटी, इट इज़ फॉर द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट ना, कि भाई आपने कोई बात बोली है तो आप 5 सालों में उसको पूरा करने का भी प्रयास करें। न जाने क्या कारण रहे हैं, मुझे नहीं पता कि भी क्या उनका इंटरनल मैटर था, वेयर वी वर नॉट सक्सेसफुल ऑन बीजेपी गेन्ड मैंडेट ऑन दोज सीट्स। आई थिंक वी हैव टू इम्प्रूव एंड स्टार्ट रीथिंकिंग कि हम पार्टी को कैसे मजबूत और कर सकते हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।